कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल रुपीज 20,000 पर यूनिट, सर कॉस्ट का काम कब आएगा? अगर कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस हो या कोई क्वांटिटी के डिस्काउंट हो या आज आउट हो, सीएम निकालने के लिए सही है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 2000। फाइव यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज फॉर प्रोड्यूस, सर मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो आपके पास प्रोड्यूस होता है तो 60 डेज अ ईयर है। हाँ सही है सर। तो सर मैं थोड़ा बहुत इसका प्लान करना शुरू करूं सवाल को ना सर, मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाऊं, बाबा ऊपर नीचे नहीं यार। हाँ सर, तो सर 375 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर डे कंज्यूम, तो पास रॉ मटेरियल सर जेड वाई क्या था, एक्स वाई जेड लिख दो सर, ये आपको जेड वाई एक्स कितने रॉ मटेरियल को रिक्वायर करता है? 5 को। इसको अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूं तो कितना आ जाता है? तो मल्टीप्लाई बाय 360 और ये भी मल्टीप्लाई बाय 360। साल की डिमांड सर ये आप कर क्या रहे हो मुझे खुद नहीं पता, बाद में शायद काम आ जाए मैं कहूं दोबारा नहीं करूंगा ये। 135,000 बेटा, उसने कहा कि हर एक जेड वाई एक्स बनाने के लिए द कॉस्ट ऑफ 5 units of raw material are used for producing each unit of, सही है? तो अगर मैं 375 यूनिट मंगा रहा हूं और मैं रिक्वायर्ड है क्या है कंज्यूम कर रहा है 375 यूनिट, तो हर रोज कितने जेड वाई एक्स बना रहा होगा? 75। तो सर मैं खाली डिमांड देख रहा हूँ, साल की डिमांड कितनी है, जितनी डिमांड होगी उतनी कंज्यूमर भी प्रोडक्शन करेंगे। तो सर ये कितना आ गया 135,000 और ये कितना आ गया? मुझे नहीं पता ये काम आएगा या नहीं आएगा, ऐसे ही दिल कर रहा था सर। कॉस्ट भी नहीं नहीं कंफर्म नहीं है भाई, कॉस्ट ऑफ लिख लो सर, लिखने में कोई मसला है? लिखेंगे ना क्लास वाली फीलिंग आ जाएगी। नहीं छोटे छोटे सर जो डेटा लिख के देते थे फॉर्मूला दिमाग में अप्लाई कर दो। सवाल कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही के सवाल में से रेलिवेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना बस। हाँ सर, विच इज सोल्ड टू अ एक ही कस्टमर है, कह रहे प्रोडक्ट ड्यू टू एनी रीजन, अगर हम फेल हो जाते हैं स्टॉक आउट हो जाते हैं द सेल इज लॉस्ट एंड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 50,000 पर यूनिट नहीं है। जिस दिन आप फेल हुए अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट देने से आपको हर रोज के हिसाब से कितना 50,000 has to be paid under the agreement with the customer. Customer ने कह दिया भाई रोज के 75 यूनिट चाहिए, कितने चाहिए? रोज के 75 यूनिट। जिस दिन तुमने डिले किया मैं आपका 50,000 की पेनल्टी पर डे मारूंगा, पर यूनिट नहीं। और कह रहा है ECL earns the contribution margin of rupees 5,000 per unit of product ZY। मतलब सब पेनल्टी अगर देखू ना जो स्टॉक आउट कॉस्ट होती है, एक तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, दूसरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज होगा हर यूनिट के हिसाब से कितना 5,000 महंगा हुआ है। चाहिए आए सर कॉस्ट लिख लो, स्टॉक आउट कॉस्ट सर, एक तो पेनल्टी कितनी और एक लॉस्ट सीएम सर 5,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 75 यूनिट्स पर डे, बहुत बड़ा नहीं है 425,000। यहां का मैंने पहला पैराग्राफ मुका दी, जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने अपने पास नंबर्स में लिख ली है, दोबारा
Following details are also available. After considering all aspects, management has worked out the EOQ as 5,400 units. Sir, आपके पास EOQ already दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत पर ऐसा कोई मिसिंग या होल्डिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट या कुछ निकलवा नहीं पता, मगर सर EOQ गिवन कितना 5,400 सर नंबर ऑफ ऑर्डर निकल सकते ना मेरे पास, हाँ 5,400 शायद मैंने एक पेन तो सकता था, मगर सर अभी मैंने सवाल पढ़ लेता हूँ, पता नहीं काम आया नहीं है, पढ़ लेता नंबर ऑफ सर कितना था 135,000 पूरे साल के कितने ऑर्डर थे 25 सर पर कह रहा है सेफ्टी स्टॉक ऑफ 225 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड वाई एक्स सर जेड वाई एक्स का सेफ्टी मतलब प्रोडक्शन ओवर करके रख देता हूँ ताकि तो इतने मेरे पास पड़े हुए हो, मुझे एक बात बताओ सर 750 यूनिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल मेंटेन सर आपके पास जो सेफ्टी है सर मैं बात कर रहा हूँ किसकी सेफ्टी स्टॉक जो आपके पास है सर एक आपके पास रॉ मटेरियल है और एक जेड वाई एक्स है सर आपके पास इसका कितना पड़ा हुआ है एसएस क्वांटिटी सर की पड़ी हुई है 250 225 हरेश सर हर रोज ये कितना डिमांड करता है मुझसे 75 हर रोज का कितना था अगर 375 कंज्यूम कर रहा था तो डेली जेड वाई एक्स जो मैं अपने कस्टमर को दे रहा था वो 75 थे अगर मैं डिवाइड करूं उसको 75 से मतलब तीन दिन तक सुकून होगा कितने दिन तक सुकून होगा नहीं सर और मजीद होगा क्यों रॉ मटेरियल भी तो पड़ा हुआ है अचार थोड़ी डलवाना है इससे सर 750 का रॉ मटेरियल है 750 यूनिट्स है एक यूनिट बनाने के लिए या सर डिवाइडेड बाय 375 ना कर दूं दो दिन का मेरे पास प्रोडक्शन के लिए माल पड़ा हुआ है हाँ क्यों 375 क्योंकि सर पर डे की कंजम्पशन कितनी है 375 थी ना पर डे यार क्या हो गया सवाल क्यों नहीं रीड करके दिमाग में रखते 375 यूनिट्स कितने यहाँ भी लिखा था ना नहीं लिखा था ओके माय बैड लिखा तो था कहीं ना कहीं ये रहा ना 375 ये रहा सर 375 है और मेरे पास 750 का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होगा दो दिन का मेरे पास सामान रॉ मटेरियल की शक्ल में और तीन दिन का सामान जेड वाई एक्स करके है मतलब पांच दिन मेरी बचत है कितने दिन बचत है मेरी पांच दिन आई वोंट बी स्टॉक आउट क्यों अगर डिले हो गया पांच दिन से कितने दिन से पांच दिन से डिले हो गया मैंने क्या करना है मेरे पास सेफ्टी स्टॉक है जेड वाई एक्स उठाऊंगा पहले दूंगा कितने उसको 75 दूसरा दिन भी डिले हो गया फिर 75 तीसरा दिन में डिले हो गया फिर 75 टाइम से आना चाहिए था सवाल पूछना है तुमने सवाल को पढ़ा नहीं है आज नहीं तो हमेशा खैर काश छोड़ यार बाद में बोलेंगे उस दिन कोई और भी लेट हो जाता तो बोल यार मैंने नहीं बोला बोला बोल पूछ जब तक चाय भी ठंडी हो रही थी क्या वाह बगैर चाय के दिमाग चल जाता है नहीं ना अच्छी बात है चाय पी फिर बात करेंगे वही समझा रहा हूं कि मेरे पास 225 पड़े मेरे को एक दिन में कस्टमर की जो डिमांड है वो 75 यूनिट है कितनी है एक दिन में डिले मारा कितना पड़ेगा 425 4,25,000 में पड़ जाएगा पेनल्टी के कोई 50,000
और 5,000 पर यूनिट के हिसाब से मैं लूज कर जाऊंगा। अब मेरे का पहला दिन माल नहीं आया, बच जाऊंगा इसमें से 275 निकाल के दे दूंगा। दो दिन डिले हो गया तो क्या करूंगा, इधर से उठा के दे दूंगा। तीसरा दिन भी डिले हो गया, उठाऊंगा इधर से उठा के दे दूंगा। चौथा दिन डिले हुआ, रॉ मटेरियल उठाऊंगा, यूज करूंगा 375 यूनिट, चौथा दिन भी बच जाऊंगा। पांचवा दिन भी वो नहीं आया और दे दूंगा। छठे दिन पैसे देने पड़ेंगे, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सेट हुआ, ये समझ आया? वैसे दो दिन का माल मेरे पास यहां पड़ा हुआ, टू डेज। अब सर मुझे एक बात बताएं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है होल्डिंग कॉस्ट निकाल लें 25। शैतल क्यों, अभी मेरे को तो ऐसा कोई सवाल आया भी नहीं है। आया है क्या उसे, उसे कुछ पूछा है क्या? द रिवाइज या तू पार्ट बी पे क्यों जा रहा है? अभी तू सवाल को एक्सट्रैक्ट कर, अभी मैंने कोई रिक्वायरमेंट पढ़ी है? अभी हमने कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़ी, अभी हम सवाल को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सर मिनिमम एंड मैक्सिमम डिलीवरी टाइम इज 30 डेज एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली। मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है? सर इसका शायद कुछ ना कुछ पूछेगा, मुझे नहीं पता। कम से कम 35 दिन में माल पहुंचाएगा और ज्यादा से ज्यादा 45 डेज। ठीक है सर, सर अज्यूम करो कितने दिन है, 360 डेज है यार। कह रहा है कंप्यूट द स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम, स्टॉक आउट कॉस्ट पूछ रहा है। इफ 8% ऑफ ऑल, 8% ऑफ ऑल रॉ मटेरियल ऑर्डर्स, सर 25 ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है, 25 ऑर्डर है। कहता है अगर पूरे साल में सारे परसेंट जितने भी ऑर्डर हैं 25 ऑर्डर है, इसका 8% कितना होता है, 2। अच्छा सर अब मैं पार्ट ए कर रहा हूं। सर मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर है कितने, एट परसेंट के सारे ऑर्डर पूरे साल में जितने ऑर्डर है उसमें से क्या है 8%, कितने ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स डिलेड बाय 12 दिन से डिले हो जाए। 5 दिन का तो साजो सामान है ना, 5 दिन का तो साजो सामान, 7 दिन मसला होगा। और सर स्टॉक आउट कॉस्ट पूछिए, ऑप्टिमल स्टॉक वो स्टॉक नहीं पूछा, उसके लिए कोई प्रोबेबिलिटी करके मुझे टेबल नहीं दिया। फिर सर क्या कह रहा है, are delayed by 12 days and 4% of all orders. Sir, 25 orders से all orders का 4% कितना हुआ? एक order delayed by 15 days. One order delayed by कितना? Sir, अब मुझे बताओ, अगर आपके पास दो order 12 days से delay हो जाता है, आपके पास जेड वाई एक्स की शक्ल में सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है जो 2 दिन बचा लेगा, 3 बचाएगा? सर जो रॉ मटेरियल की शक्ल में है वो 2 दिन बचा लेगा? सर मेरे पास 7 डेज में स्टॉक आउट रहूंगा और साल में ऐसे ऑर्डर एक दफा नहीं होगा मेरे साथ, कितनी दफा होगा, साल में 2 दफा ऐसा होगा मेरे साथ। पूरे ईयर में कितनी दफा ऐसा होगा, 8% ऑफ ऑर्डर, मतलब 25 में से 2 ऑर्डर्स के साथ यही हरकत होगी कि वो क्या हो जाएंगे, 12 दिन से डिले हो जाएंगे। 12 दिन से क्या होंगे, डिले हो जाएंगे। मुझे एवरेज नहीं पता, मुझे मिनिमम पता है 30 दिन, मैक्सिमम पता है 45 दिन, हो सकता है शायद एवरेज मैं अज्यूम कर लूं कि इन दोनों का बीच हो 37 डेज, क्या हो शायद 37 डेज, शायद। तो सर मैं अगर ऑर्डर प्लेस करूं तो हो सकता है कि 37 डेज बाद ना आए, कब आए, 49 डेज पे, 12 दिन क्या हो जाए, डिले हो जाए। हमने कहा ठीक है, कितने ऑर्डर्स, 8% ऑफ ऑल ऑर्डर्स जो कि 2 ऑर्डर्स बनते हैं। सर एक और है कि 4% ऑफ द टोटल ऑर्डर, एक ऑर्डर कितने डिले हो जाए, 15 दिन। सर उसमें से मेरे पास यहां पर भी 3 दिन का सामान मौजूद है, भाई एंड का मतलब होता है 2 अलग रिक्वायरमेंट्स, सही है? और सर 2 दिन का मेरे पास साजो सामान है रॉ मटेरियल की शक्ल में, तो कितना और कितनी दफा,
पेनल्टी 4 लाख कितना था? 4,25,000 ना पर डे के हिसाब से स्टॉक आउट कॉस्ट कितना है? 4,25,000। कितना आया ये? 5 पॉइंट। और इतने, हाँ ये तो हो जाएगा ना। सर टोटल आपके पास क्या पूछी उसने? स्टॉक आउट कॉस्ट, तो कितने स्टॉक आउट हो जाओगे सर? 10.2, 10.2। ये आ गया पार्ट ए का आंसर। मुश्किल क्या था? अंग्रेजी तो थी बस, मुश्किल था क्यूटी का था ये। किसका था? क्यूटी वाला आंसर था। क्वेश्चन तो जैसे टेस्ट ही नहीं की करिए। जैक हैज 7 एप्पल, 1 एप्पल इज लॉस्ट, ही कुड हैव सोल्ड इट इफ दे सेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लेता। क्यूटी था ना। जो ज्यादा पढ़ेगा कॉस्टिंग वो फेल हो जाएगा। अभी से लिख के दे रहा हूँ, कॉस्टिंग आपने एवरेज पढ़नी है ज्यादा, क्योंकि एक वक्त कॉस्टिंग के साथ ऐसा फोबिया, ज्यादा पढ़ोगे ना सीधे सवाल में भी क्या लगेगा, नहीं तू तो पूछ ही नहीं सकता ऐसा, तेरा लेवल ही नहीं ऐसा पूछने का, इसमें तुमने कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है। और नहीं भी अगर तुम घर से दिमाग से सोच के ले आके सवाल में डाल दोगे, एग्जामिनर भी परेशान होगा, ये बच्चा खुद कहां से लाया। सही है, तो ज्यादा नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करो, थिंक सिंपल। जो थिंक सिंपल करेगा वो पासिंग नंबर सवाल में से उठा सकता है। सर आए, सर पार्ट बी पढ़ो सवाल। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। पढ़ लिया सर। अच्छा सर, क्या डिटरमाइन द रिवाइज ईओक्यू, मतलब 5,000 यूनिट अभी ट्रक में मंगा रहा हूं ना, अब कितने मंगाऊंगा? कैलकुलेट डिटरमाइन द रिवाइज ईओक्यू इफ कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 480 यूनिट्स पर डे, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज बाय, होल्डिंग कॉस्ट डिक्रीज बाय, एंड सेफ्टी स्टॉक रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय। घुमा दिया है ना, है ना, बहुत आसान है क्या? किसने ट्राई किया? मैंने करवा दिया ये, तो करो ना यार, घर पे गया नहीं क्या? ट्राई किया मगर नहीं हुआ जी। किसने सर बोला? पूछो, कर लिया, क्या आंसर आया? कितना रिवाइज ईओक्यू कितना आया? कितना? 1,786,2 करीब करीब सही होगा। पॉइंट्स आपने उसमें लिया होगा, सही होगा, बिल्कुल अच्छे अबीर, गुड गुड। अरबाब बहुत अलग दुनिया में हो। आए कर लेते हैं सर। सर पहले तो मुझे बताओ सर, अगले साल की डिमांड चेंज हो रही है और सेफ्टी स्टॉक चेंज हो रहा है, सर एक बात बताओ, ऑलरेडी मेरे पास सेफ्टी स्टॉक 750 का पड़ा हुआ है, जो इंक्रीज है वो डिमांड करना पड़ेगा मुझे, जो इंक्रीज हुआ वो मुझे मंगाना पड़ेगा, तो एनुअल डिमांड के अंदर कौन सी, अब जो एनुअल डिमांड आएगी, रिवाइज एनुअल डिमांड, सर पार्ट बी है ये सर, रिवाइज ही निकालना ना, रिवाइज एनुअल डिमांड अब कितनी होगी सर? सर एक तो 480 डेली कंजम्पशन होगी, 360 दिन कितना हो जाएगा? 170, 172,800 सर, इंक्रीज इन सेफ्टी स्टॉक सर 750 पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहेगा, उसको डिमांड में मत इंक्लूड कर देना, आपको इसका कितना आ जाएगा? 175,000
नहीं बेटा अभी 750 पड़ा हुआ है ना, मुझे और एक्स्ट्रा कितना मंगाना है? अब मेरे पास ऑलरेडी 750 का तो स्टॉक मेंटेन रखता हूँ ना, अब वो लेवल तो मेरा मेंटेन है। सुनो सर, मेरे पास मैं 5400 मंगवाता था, मैंने ऐसा एक हिसाब रखा हुआ था कि 750 का मेंटेन रहता था, ये आता था मैं माल मंगा लेता था। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसका लेवल बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये इंक्रीज मंगाऊंगा ना, क्योंकि ये तो मेरे पास गोडाउन में कोने पे कहीं पे पड़ा हुआ है, सेट है किसका? तो डिमांड, भाई डिमांड का मतलब कितनी क्वांटिटी मुझे इस पूरे साल ऑर्डर करनी है, चाहिए तो उसके लिए शामिल होगा ना, डन हुआ। अब मुझे बताएं सर कितना, 150 सर, 172,950 सेट है? कोई और खोए हुए हो? याद आ रही है? पक्का उड़ जाएगी, 10 बज गए सर। फिर क्या कह रहे हैं सर? अब सर मसला आया, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है, सॉरी होल्डिंग कॉस्ट 25% कम हो रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। सर पूरे सवाल में ना कहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट मिली ना कहीं होल्डिंग कॉस्ट मिली, क्या फ्रैक्शन में काम जिंदगी में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, बस उसके लिए पुराना फ्रैक्शन पता होना चाहिए, निकल सकता है सर। लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर के सर, लास्ट ईयर की बेस बनी होगी ना, जिसमें 50% इंक्रीज और 25% डिक्रीज हो रहा है सर। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आपने ईओक्यू कैसे निकाला होगा? ईओक्यू इज इक्वल्स टू दो दो हाथ करके। अब सर आपके पास लास्ट ईयर ईओक्यू था कितना? 5400 इक्वल्स टू सर आपके पास था 2 × डिमांड कितनी थी? 135,000। और सर क्या मैं ओवर एच को इस तरह ले सकता हूँ? हाँ सर, क्या सर मैं ओवर एच की फॉर्म में आंसर निकाल सकता हूँ कैलकुलेटर पे? दो वेरिएबल है इसलिए नहीं निकाल सकता, किसको? कोई जरूरत नहीं है यार, दोनों को स्क्वायर करो, दोनों साइड को क्या करो, स्क्वायर करो, खुल गया 2 × 100 को वहां से डिवाइड करवा दो, आ गया आंसर। इतनी लंबी सोची क्यों रहे हो? एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी नहीं सोचना सर, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, ये कट गया। अब 5400 का स्क्वायर कितना? 29.16 मिलियन। 2 × 135,000 × OH सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां देखिए क्या हो जाएगा। तो सर O डिवाइडेड बाय H इज इक्वल्स टू 29,160,000 और ये 170 हो जाएगा, तो O ओवर H कितना आ गया? डन हो गया। तो ये X Y Z तुम सोचते रहो, मैं सिंपल सोचता हूँ नाक की सीर में कि आंसर आ रहा है, सेट है? मसला तो नहीं इसके किसी अंदर, डन सर। अब ये 108, ये 108 का सर कोई डिनोमिनेटर है कोई न्यूमिनेटर है? जो इसका डिनोमिनेटर है वो 25% डिक्रीज हो रहा है और न्यूमिनेटर 50% से इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करें इसको? अब किसी एक को अज्यूम कर ले, अभी बेटा इस तरह भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। हाँ सर, सर सिंपल मल्टीप्लाई बाय जितना आंसर आ गया, दो दो हाथ रिवाइज यो क्यों निकाल के दे दे। देखो सवाल दिमाग में होता है, प्लेस नहीं कर पा रहे होते सर। 2 × डिमांड कितनी है? 172,950। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट नहीं पता सर, डायरेक्ट क्या लिख लो, 216 कितना आ गया? 8,644 आंसर, डन है, आसान था ना? मैं तो क्यों ऐसी शक्लें बना के बैठा हुआ भाई, सर डिसीजन मेकिंग में क्या होगा?
कॉपी करना है नहीं, पिक्चर खींच लो, कॉपी नहीं करने दूंगा, सही है, पिक्चर खींच लो, घर जाके कॉपी करते रहना, मेरे को दूसरा सवाल करवाना है। पीडीएफ तो आ जाएगा ना, सकलाइन भेज देगा यार।